फ्रेंड्स दोस्तों शुरू करने से पहले मैं एक छोटा सा पोस्ट जो कल मैंने पढ़ा वो पढ़ के सुनाना चाहूँगी। अंग्रेजी में है मगर समझने में दिक्कत नहीं आएगी किसी को, जरूरत पड़े तो मैं उसका अनुवाद करूँगी। एजुकेशन इज नॉट मेमोराइजिंग दैट हिटलर किल्ड 6 मिलियन जूस। एजुकेशन इज नॉट मेमोराइजिंग दैट हिटलर किल्ड 6 मिलियन जूस। एजुकेशन इज अंडरस्टैंडिंग हाउ मिलियंस ऑफ ऑर्डिनरी जर्मन्स were convinced that it was required. Education is learning how to spot the signs of history repeating itself. मुश्किल नहीं समझना कि तालीम और शिक्षा का ये मतलब नहीं है कि हम रट रट के समझ लें कि 6 मिलियन जूजों को की हत्या मतलब मास हत्या की गई कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में, मगर सही तालीम और शिक्षा का ये मतलब है कि ये आवाम को जर्मन आवाम को कैसा समझाया गया कि ये जरूरी था कि 6 मिलियन जूस को इस तरह मारा जाए। और तालीम और शिक्षण ये भी है कि इतिहास की ये घड़ियों को ये सिग्नल को हम समझने की कोशिश करें कि क्या ये दोबारा दोहराया जा रहा है क्या। हो सकता है शक्ल बदले, हो सकता है साजिश बदले, हो सकता है नजरिया बदले, हो सकता है तरीका बदले। तो गुजरात जैसे जनसंहार होना जहां पे 1926 लोगों की, हमारे पास अभी आंकड़े हैं जो 700 कहते हैं ना, वो 700 नहीं है, पोस्ट गोत्रा में 1926 पीपल वाज स्लॉटर एंड ऑल मुस्लिम मास रेप था, जो जितना कठुआ का मतलब कठुआ के बारे में सोचने से रोंगटे खड़े हो जाते। रोंगटे इसलिए खड़े हो जाते कि न सिर्फ वो 8 साल की बच्ची थी, मगर 8 साल की बच्ची को आप इस तरह नशाबंदी करके मंदिर के अंदर 8 दिन के लिए इस तरह करो, मगर नैरेटिव उसका कैसे बदलता है, नैरेटिव कतुआ का कैसे बदलता है कि आपको ये दबाना है कि मुस्लिम बकरवाल समाज जो 11% है वो इलाके में, उसको वहां से वाइप आउट करने के लिए, उसको भगा देने के लिए वो करवाया है। ये भी एक जेनोसाइड का एक बिंदु है। और अभी हमारे बीच में जब गुजरात में तो पूरे जेनोसाइड के बिंदु दिखे 2002 में, अभी हमारे जेनोसाइड के अलग अलग बिंदु अलग अलग इंसिडेंट्स में दिखते हैं, तो राजकोट में भी दिखते हैं, ऊना में भी दिखते हैं, अफलासून में भी दिखते हैं, रेगर में भी, अलग मतलब नाम तो बहुत लेंगे। अब जरा मेरे मुझे बात करने दीजिए, सब क्वेश्चन आंसर होगा, आप पूरा पड़ास निकाल सकते हैं। 61 इंसिडेंट्स का अलग अलग जगह लेना, नाम भी लेना जरूरी है। जैसे जुनेद जब ईद के कपड़े गए साल खरीदने के लिए आए हैं, तो हत्या तो होती है, बेरहमी से हत्या होती है, मगर वो 60-70 लोग देखते रहते हैं और कचकटते कुछ नहीं है। ये वो आवाम की तैयारी की जा रही है जो 6 मिलियन जूस की मास हत्या वो के लिए तैयार है। वी आर एट दैट स्टेज, तो हमें क्या करना चाहिए, मतलब मुझे यहाँ पे रिकाउंट नहीं करना, ना इतिहास का लेसन देना है, सबको पता है आमतौर से कि क्या होगा। वॉट आर वी सपोज टू डू अबाउट, क्या हम सिर्फ हमारे पुराने तरीके के एक्टिविज्म से चलेगा मामला? आज हमारे बीच में भारत हिंदुस्तान में मास लेवल पॉलिटिकल री एजुकेशन की ज़रूरत है। आई एम कन्विंस्ड ऑफ इट। वी आर ऑफ द जेनरेशन, जिग्नेश इज मच यंगर, वी आर ऑफ द जेनरेशन दैट वर बेनिफिशरीज, वी वर बेनिफिशरीज ऑफ द वैल्यूज दैट द नेशनल मूवमेंट जनरेटेड, लेफ्ट फार लेफ्ट सेंट्रिस्ट एवरीथिंग विच वॉज फॉर एन इंक्लूसिव सिटीजनशिप, वी वर बेनिफिशरीज ऑफ दैट। Post liberalization, post Ram Janmabhoomi, the generation has been fed on a different reality, different set of values. ये रातो रात नहीं हुआ है। मुझे अभी भी याद है 92-93 के वक्त, शायद कई लोग ये कमरे में उस वक्त भी थे, यहाँ यही कमरे में, जब श्री कृष्ण रिपोर्ट के को लेकर सहमत ने यहाँ पे ही मीटिंग बुलाई थी इसी कमरे में। तो ये रातों रात बात नहीं हो रही है, इसकी तैयारी सरासर हो चुकी है। फैसिज्म डजंट जस्ट कम विद वन स्ट्रोक ऑफ द पेन, इट इज लाइक दिस बॉइलिंग वाटर इन द वेल, वहां पे आपने मेंढक फेंक दिया, फ्रॉग इज इन द वेल, और धीरे से आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, बढ़ा रहे, बढ़ा रहे, बढ़ा रहे, और जब वो बॉइलिंग पॉइंट पहुंच जाता है तो आपको पता भी नहीं चलता कि ये पहुंच चुका है और जान खतरे में। UAPA के कानून में पोटा और ताना के सबसे घटिया प्रबंध कौन सी सरकार लाई थी? दैट इज ऑल्सो द स्लो बीट ऑफ फैसिज्म। इक्वली वेल आई एग्री कि आज टैक्टिकल लेवल पे वो ताकतों के साथ भी जाना पड़ेगा जो उस वक्त BJP के साथ में जाके उन्होंने अमेंडमेंट कर दिया था, सिर्फ लेफ्ट ने वहाँ पे अपोज किया। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हमको किस तरह ये पोलिटिकल री एजुकेशन करने की ज़रूरत है, क्योंकि सब जो जिग्नेश ने
एग्जांपल दिया अहमदाबाद और गांधीनगर की जनता के बारे में जो सहमी हुई है सिविल सोसाइटी सिलेक्टिव है सिलेक्टिव नहीं रिएक्ट कर पा रही है हॉल के बाहर नहीं जा पा रही है दिस इज नॉट ट्रू ओनली ऑफ अहमदाबाद हर जगह दिल्ली बॉम्बे कलकत्ता चेन्नई में भी ये हाल है लेट अस फेस ये सिर्फ एक जमाना था कि वो सिर्फ गुजरात में था इसलिए हम लोग सब गुजरात जाते थे काम करने के लिए बट दैट मॉडल इज नाउ ऑल ओवर इंडिया तो ये हम भय को कैसे तोड़ें हाउ डू वी ब्रेक द फियर आई बिलीव द बॉटम लाइन इज फियर आई थिंक बॉटम लाइन इज ऑल्सो लिटिल बिट ऑफ सेल्फ सेंट्रिज्म क्योंकि सब अपने अपने जगह को बचा रहे हैं लेट अस फेस इट फिफ्थ पे कमीशन सिक्स्थ पे कमीशन सेवन्थ पे कमीशन ने सबको एक तरह का कोलैबोरेटर बनाया गया एकेडेमिया में I'm sorry, I'm saying things which are difficult. But why is it difficult to get certain sections to speak out today? How do we manage to create some sort of a large political re-education of this country where all of us with different sort of ideologies are still able to participate? Hum log kaise jayenge wo gaon mein, wo shahar mein aur is tarah ka re-education ko sangathit taur pe? Because I think what we are really lacking now simply is organization. No amount of I mean, all such, I mean, hats off to India Inclusive, hats off to every such initiative that breaks the silence. I mean, I go to every such initiative. But there's a level of frustration one feels that events are not enough. We have to kind of try and think of processes. We have to think of try and think of processes that make these events more vibrant and meaningful. And what should those processes be? कभी-कभी ऐसा होता है ना कि एक्टिविज्म में भी इस तरह तरीके हमारे सामने आ जाते हैं जो रेडिकल एक्टिविज्म के हिस्सा नहीं है फिर भी काम करते हैं आज हमारे पुलिस स्टेशन और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के ऊपर हावी वो ताकतें हैं जो संविधान में नहीं मानती जो संविधान को पलटने के पीछे खुलेआम कह रही है तो हमारे वहाँ भिवंडी बम्बई में एक एक्सपेरिमेंट शुरू हुआ था 1984 के दंगों के बाद मोहल्ला कमेटी एक्सपेरिमेंट जिससे नागरिक पुलिस और डीएम के साथ ताल्लुकात रखते थे ताकि जो नागरिक संविधान में मानते हैं वो कहते हैं कि हम पुलिस के साथ हम संपर्क रखेंगे चाहे वो हम डॉक्टर हो टीचर हो ठेले वाला हो रैक पिकर हो कोई भी हो इस तरह के एक समुदाय ताकि हम संविधानिक वैल्यूज थोपे जाएँ वो अथॉरिटीज़ को कही जाए दैट यू आर बाउंडन टू प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन टुडे द ओनली पीपल इंटरैक्टिंग विद द so-called structures of democracy, which are hierarchical, which are casteist, which are communal, the only forces that are interacting with them are the forces that are believed in overthrowing the constitution. But the sections of us who actually should be interacting with these sections, even in BJP ruled states, hum log ye kaam se jhijakte hain. Left isliye jhijakte hain kyunki left manti hai ye structures ke saath nahi kaam karna hai. कहीं ना कहीं हमको ये नए तरीके ढूंढने पड़ेंगे कि कम से कम संवैधानिक वसूलों को लेकर वो ढांचे स्टेट के जो ये संविधान को लगाने के लिए दे शुड बी मेड बाउंड टू स्टैंड बाय द वैल्यूज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड वी हैव टू थिंक ऑफ वेज इन विच अ मैस पॉलिटिकल रीएजुकेशन हैपन्स अ शॉर्ट टर्म मिडिल टर्म एंड लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी हैपन्स आई एम नॉट गोइंग टू रिकाउंट द हॉरर्स बिकॉज हेट स्पीच इज बिंग लेजिटिमाइज नफरत भरी जबान जिस तरह बोली जा रही है फ्रॉम मिनिस्टर्स डाउनवर्ड्स सेंट्रल मिनिस्टर्स डाउनवर्ड्स कोबरा पोस्ट का कल एक्सपोज है आप पढ़िए आई विल सम अप एंड एंड विद दैट बिकॉज आई हैव गॉट माई थिंग एंड आई वॉन्ट टू कीप टू टाइम कि आज अगर सबसे बड़ी धोखा हमारे पास आ रही वो मीडिया से आ रहा है सबसे बड़ा धोखा क्योंकि आज मीडिया एक पूरा क्रोनी कैपिटल इसीलिए फांसीवाद है फांसीवाद इसलिए नहीं है सिर्फ कि वो हिंदुत्ववादी है फांसीवाद इसलिए भी है कि पूरे पब्लिक रिसोर्सेज को प्राइवेट कैपिटल की तरह इस्तेमाल कर डीमोनेटाइजेशन को आप एक सपना बना करके एक सपोजिट ब्लैक मनी और कैशलेस सोसाइटी के ऊपर हमला करने वाले ये ताकतें एक्चुअली मीडिया हाउसेस को कह रहे हैं कि हम आप ब्लैक मनी दे के आप हिंदुत्ववादी को फैलाओ ये कोबरा पोस्ट का एक्सपोजे हैं जिसके खिलाफ दैनिक भास्कर ने स्टोरी ले लिया कल क्योंकि दैनिक भास्कर ने जो कथुआ को लेकर एक घटिया स्टोरी छापी थी वो वहीं से आती है टाइम्स नाउ और रिपब्लिक अभी मंडे ट्यूजडे को हम जावेद और हमको लेके जो चलाएंगे न्यूज आप वही पैसे से चलाएंगे क्योंकि उनके पास टारगेट्स है कि ये लोगों को बदनाम करते जाओ झूठ बोलते जाओ जिस दिन तमिलनाडु में ट्यूटिकोरिन का फायरिंग की वजह से 11 लोगों की जान गई उस दिन शेमफुली ऑल द चैनल्स वर डिस्कसिंग दैट लेटर ऑफ द रेचिट चर्च ऑफ अबाउट द इलेक्शंस हाउ डज इट मैटर व्हाट द आर्चबिशप रोट ही हैज एवरी राइट टू राइट इट
आप तीन-तीन घंटा उस पे चर्चा कर रहे हो और वहां पे 11 लोग पुलिस फायरिंग से मारे गए जिसका वीडियो दिखाता है कि एक 18 साल की बच्ची के मुंह के अंदर गोली गई है एंड दैट इज नॉट अ मैटर ऑफ डिस्कशन फॉर द टेलीविजन चैनल बिकॉज़ विनी जैन हैज बीन एक्सपोज्ड इन दिस कोबरा पोस्ट एक्सपोजिंग टॉप लेवल होल्डर्स हु आर सेइंग दैट इफ यू गिव अस कैश लॉन्डर द कैश मेक इट वाइट देन वी विल परफॉर्म द हिंदुत्ववादी एजेंडा I mean, what this country is on the verge of a complete sellout. We are saying that it is not complete fascism because we are still assembled here, but it's like fascism on the verge of coming. We have proto-fascists in power holding constitutional posts who believe that the constitution should be overthrown. We know how many assembly seats they have, but they believe as if they control all of India. Gram panchayat se leke MLA ke seat lekar member of parliament, ek bhi seat mein Rashtriya Swayamsevak Sangh नहीं आना चाहिए उसके लिए आप और हमारा फर्ज है कि बिना झिझक के हमें कैंपेन करना चाहिए चाहे कोई भी जीत गया है दैट इज द फर्स्ट शॉर्ट टर्म गोल द मिडिल टर्म गोल इज टू मेक श्योर दैट अवर एजेंडा इज नॉट लॉस्ट द दलित एजेंडा दलित राइट्स माइनॉरिटी एजेंडा माइनॉरिटी राइट्स कॉन्स्टिट्यूशनल राइट फॉरेस्ट राइट्स एक्ट को डायल्यूट किया गया है लेबर राइट्स को डायल्यूट किया दे हैव ओपन सो मेनी फ्रंट्स जिग्नेश दैट समटाइम्स इट्स डिफिकल्ट फॉर द सेम 5 or 10,000 पीपल टू फाइट ऑन द डिफरेंट फ्रंट्स इट्स नॉट दैट पीपल डोंट वांट टू फाइट वर्कर्स की स्ट्रगल पर कोई लेफ्ट लिबरल नहीं उठाता आई एम सॉरी लिबरल बुर्जुआ नहीं उठाता जो वर्कर्स का मामला है कौन लिबरल बुर्जुआ उठाता है दे आर ट्राइंग टू 150 ईयर गेन फॉर द लेबर मूवमेंट दे आर ट्राइंग टू टेक अवे बाय ब्रिंगिंग दिस वन कोड विच हैज नॉट येट बीन ड्राफ्ट So they have opened so many fronts where a large section of Indians are going to be disempowered, disenfranchised. It's an assault on democracy. It's an assault on the constitution. Finally, Harsh, just 1 minute. B.S. Munje, when he returned in 1934 from Italy. I will not quote Golwalkar anymore. They're done to death. Unhone 10 din ki diary likhi. Aur wo diary mein likha. Tarika hai ki fear of death. Maut ka bhai. और वो मैं डायरी अभी 6 महीने से पढ़ रही हूँ इस्लामपुर बिहार में वो घूम के आते हैं जहाँ पे विभाजन और बंटवारे के बहुत बेरहमी से मतलब वहाँ पे दंगे हुए थे एंड ही डिस्क्राइब्स द इंसिडेंट कि मैं जब निकल रहा था तो एक आदमी बुरा आदमी चचा आके जो जिसके सर पे टोपी थी आके मेरा हाथ पकड़ के बोलता है कि सर जी भाई साहब मार काट छोड़ दीजिए हम हिंदू बन के रहे That is the lesson of this proto-fascist force. Muslims are the first target, the most brutal target. Christians are a different kind of target. The institutions are under target. Malicious campaign happens against the Christian community. Dalits are a target. And the idea is to create a fear of death so that the communities that are being targeted cannot speak up. We really need to re-examine our strategies and I hope that we can take back some ideas from here. Thank you.